गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज यश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अभी हम लोग आए हैं यार ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये देखिए भाई, पूरा बुफे यहाँ पे लगा हुआ है, सब लोग आ चुके हैं भाई करने ब्रेकफास्ट। तो दिखाते हैं आपको क्या है आज ब्रेकफास्ट में। यहाँ पे ये फ्रूट्स लगे हुए हैं, जैम है, शायद बटर है भाई, सेवई, इडली, सांभर, पूड़ी, आलू वगैरह ये सब है। तो लेते हैं तो देखिए बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट, मजा आ गई। जूस स्पेशली जूस बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी। तो ऐसे हमने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है, बट मैंने अभी नहीं अब किया। आपको बताते हैं कि रिव्यूज अगर आपकी बात की जाए तो ठीक था, खा सकते हैं। सुबह सुबह का नाश्ता देखिए कितने चाव से खा रहे हैं। बाकी भाई ठीक ही था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा ब्रेकफास्ट था। होटल वगैरह में आए तो ऐसे लोगों को ना लेके आए, क्योंकि ऐसे लोग क्या नहीं लेके आए भाई, तू आने काबिल है। वो देखो सो रहे हैं। नहीं नहीं, इनका कांड आपको दिखाते हैं, इन्होंने किया क्या है। ये देखिए भाई साहब, मार्बल की अच्छी खासी टेबल थी। ऐसे किसका आएंगे यार भाई, ऐसे भाई इतनी भारी, इसका वेट कम से कम 25 किलो होगा। कौन आप उठा के, हाँ उठाओ उठाओ, अबे उठाओ तो देखो, उठा दो उठा दो उठा दो उठा दो उठा यार, देख निकल गई, उठा के आई पूरी निकल, देख दोनों लगाए, अबे गिर जा। तो ये देख सकते हो भाई कितना ज्यादा भारी है, और मैंने बस जस्ट ऐसे किया। हम लोग यार आ चुके हैं पूल में, क्योंकि वैसे हमारा प्लान, मैं बताऊं हमारा प्लान था कि राफ्टिंग के लिए जाएंगे, लेकिन भाई पानी ज़्यादा बढ़ गया। मैंने कि आप जैसे दिखाया लास्ट वीडियो में कि जो दिख रहा था पुल वगैरह वो भी डूब गया, तो हमने भाई प्लान कैंसिल कर दिया। वैसे हम थोड़ा एडवांस दे दिया था, बट हमने कहा चलो हाओ ठीक है, इसका भी मन नहीं था कि हम लोग जाएँ राफ्टिंग पे। ये तो वैसे भी नहीं जा रही थी, मैं तो वैसे भी नहीं जा रही थी, बट बहुत पानी बढ़ गया था तो मुझे टेंशन हो जाती बस। ठीक है, लेकिन 1 2 3 बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एक तो वेदर भी बहुत साथ दे रहा है, वेदर यार बहुत अच्छा है। एक्चुअली पता है हमने, पता है क्या प्लान बनाया था कि यहाँ आएंगे और ना पूरा एंजॉय करेंगे। हम लोग कहीं पे भी ऐसे घूमने वगैरह जाने का हमारा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि हमारा रहता है कि प्रॉपर्टी ही एंजॉय करेंगे, तो ऐसा तो कहीं नहीं जाना है। बट हम लोग हाँ लंच करने एक बहुत स्पेशल रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको। बाकी सब लोग भाई वहाँ बैठे हैं, यहाँ पे क्या रिवर का ना बहुत प्यारा व्यू आता है, और बाकी कोल्ड कॉफ़ी भाई हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं लंच करने, और कहाँ जा रहे हैं, बहुत स्पेशल एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तो आगे वाले व्लॉग में उसको आप आगे के इसी व्लॉग में पता चल जाएगा लगभग 30 सेकंड बाद। तो हम लोग जा रहे हैं भाई इसी फोर्ट में, ये है ओरछा फोर्ट, वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। ये जिस ब्रिज पे हैं, ये इकलौता ब्रिज है भाई इस फोर्ट में एंटर करने के लिए, कि जो फोर्ट है इस पर हम लोग पहुँच चुके, जो ओरछा फोर्ट है। तो जिस रेस्टोरेंट में हम लोग जा रहे हैं वो यहीं पे है अंदर। एक हेरिटेज होटल है जिसका नाम है शीश महल, जो कि एमपी टूरिज्म के अंडर आता है। जगह को शीश महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई यहाँ पे शीशे ही शीशे हैं। तो वहाँ पर अगर देखेंगे तो ये पुराना जो फोर्ट है उसी के अंदर इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया है, होटल भी है। अगर आप चाहें तो जो एमपी टूरिज्म की जो साइट है वहाँ से बुक कर सकते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, वहाँ से बुक कर सकते हैं। तो ये देखिए भाई, ये लगा है शीशा, तो अच्छी जगह है। आप कुछ ऑर्डर करते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो यार राफ्टिंग तो हम लोग कर नहीं पाए थे, तो हम लोग मोटर बोट है इसकी भाई एक राइड लेने के लिए आए हैं। तो भाई बहुत ही सस्ता है, मतलब 100 रुपये पर हेड लगा। तो हम लोग 5 लोग जा रहे हैं, जितने से बंदे लोग हैं वो लोग जा रहे हैं। बाकी अपेक्षा वो तो भाई अपने होटल में ही थे, और बाकी आप पीछे का भाई व्यू देख सकते हो कैसा है पूरा। तो चलिए भाई लाइफ जैकेट अब पहनते हैं और चलते हैं। चलो भाई चला जाए भाई, 5 लोग तैयार हो गए, लाइफ जैकेट पहन के। ये घड़ी है भाई हमारी बोट, ऑरेंज वाली जा चुकी है पहले, सोचा मैचिंग वाली में बैठेंगे, बट चलो हमने चलो राफ्टिंग तो नहीं कर पाए, बट मोटर बोट के मज़े भाई ज़रूर लेंगे। और भाई जो बाउंड्री आपको दिख रही है, हमारा होटल है, और ये हम निकल पड़े हैं। ये क्या बात,
भाई काफी तेज यार बहाव है यार पानी का, आपको ऐसा लग नहीं रहा लेकिन काफी बहुत ज्यादा तेज है बहाव। बाकी भाई लाइफ जैकेट पहने ना तो थोड़ा सा भाई सेफ्टी, क्यों सेफ्टी फील हो रहा है लाइफ जैकेट पहन के बिना उसके बैठोगे? बहुत अच्छा। और व्यू देखिए आप यार, मतलब बोट से व्यू कितना अच्छा आ रहा है भाई। ओरछा के जो टेम्पल्स है उनका व्यू, एक बोट देखिए उस साइड पे वो जा रही हो, और भाई भीग गई पूरे भाई। क्या चाल अंकल भाई, सब बढ़िया? और बेटे क्या बात है। तो ऐसे अपेक्षा को मैं बोला कि आओ, लेकिन उसका भाई मन नहीं था, कह रहे नहीं यार मुझे नहीं जाना। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अपन ही सब लोग चलते हैं भाई। अंदर साइड पे जा रहे हैं, ओहो क्या बात है, पूरे सफल। क्या बात है यार सफल बाबू, जरा देख दाख के रहो अगल बगल तो चला बह गए। अबे चले ना जाना, ये देखिए ऐसे ही लोग होते हैं जो गिर जाते हैं कभी कभार नदी में, और ऐसे लोग होते हैं पकड़ के रखते हैं। राइड थोड़ी सी ही देर के लिए चली, वैसे मन था और थोड़ा, क्यों एक और मारना है कट जाएगी क्या, काट एक और चक्कर लगाएंगे भैया साहब, रत्नेश भाई की कृपा से एक और चक्कर हमको करा रहे हैं, हम इनकी तरफ से गिफ्ट है कि जाओ एक चक्कर सबको इनके खाते में जाएगा। ये लौंडे नहा रहे नदी में, पूछ रत्नेश भाई। ये आ गया अपना डेक जहाँ उतरना है, धीमे 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 भाई वापस जमीन पर पहुंच चुके हैं। तो हमारे होटल के बगल में ही यार एक छोटी सी चौपाटी है, जो कि बिल्कुल ये जो टेंपल्स बने हुए इनके बगल में ही है। तो अगर इस साइड पे आ रहे हो तो यहाँ पे भी आके एंजॉय कर सकते हो। अभी भी यार हम लोग पूल से नहा के आए, और तीसरी बार आज दिन में हम लोग पूल में पूल को एंजॉय किया। होटल वालों ने मना कर दिया कि आप बहुत नहा, बहुत अति कर दिया आपने, प्लीज़ अब ना करिए। भाई सही बताया तो असली पैसा हम ही लोग वसूल कर रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं कैफ़े में, हमने सुना था नो मैट कैफ़े है यहाँ पे, तो वहाँ जा रहे हैं देखने कि भाई वहाँ का बड़ा, हमने नाम हम सुना था कि डिशेज़ वगैरह बहुत अच्छी हैं, तो वहाँ चलते हैं। तो आप हम लोग को देख सकते हो भाई कैसे कलर में हम लोग दिख रहे हैं भाई यहाँ पे बैठे हुए। तो हम लोग अभी है नो मैट कैफ़े में, और वाइब आप देख रहे हो ना भाई यहाँ की, बिल्कुल हिप्पी स्टाइल है। बाहर भी यहाँ पे सिटिंग है, और नीचे साइड में हम लोग अभी फर्स्ट फ्लोर पे हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वाइब भाई बहुत अल्टीमेट है, मतलब आप देखोगे ना तो फुल मतलब हिप्पी स्टाइल है। और जो है का मेन्यू भी है ना वो रशियन और थोड़ा थोड़ा मेडिटेरियन टाइप का है। तो भाई अभी हमारा आइटम आ चुका है, तो ये है भाई फलाफल, और साथ में इसके है हुमस, और इसमें भी ये हुमस है, ये पीटा ब्रेड है, और असॉर्टेड वेजिटेबल्स हैं। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, लाइट थोड़ी कम है तो भाई फ्लैश का यूज़ करना पड़ रहा है। तो भाई जो हुमस और पीटा ब्रेड है ना भाई, वो भाई बहुत ही सही था। फलाफल भी अच्छा है, बट पता नहीं कि उसमें जो चिकपी हैं ये पूरे पूरे हैं, ये नहीं होता और ज़्यादा अच्छा लगता, बाकी टेस्ट भाई बहुत अच्छा है। तो यार कल फिर से यार एंडिंग तो कर नहीं पाए वीडियो, क्योंकि यार आके यार भाई सो गए थे, क्योंकि बहुत देर तक भाई मस्ती वस्ती करते रहे, तो वो सब तो भाई देखो शूट नहीं कर सकता मैं। बट यार मज़ा बहुत आया, और आज आखिरी दिन है हमारा, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट्स करके अपने थॉट्स बताना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना, और ये एक बार व्यू देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।